नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। यमन में अरब गठबंधन बलों ने किया हवाई हमला, अस्पताल को बनाया निशाना, 11 लोगों की मौत, 19 से ज्यादा घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेट्स को दी चुनौती, डेमोक्रेट्स को अति आत्मविश्वास के लिए चेताया। पार्टी की ओर से हिलेरी क्लिंटन है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। इस्लामिक चरमपंथ पर काबू करने का डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अप्रवासियों की जांच प्रक्रिया करेंगे बेहद कड़ी, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ट्रंप। नेपाल में 500 फीट की ऊंचाई से खाई में गिरी बस, 32 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। काठमांडू से काबरे ब्लांगचोक जिला जा रही थी बस। नाइजीरिया के बोर्नो में आतंकी संगठन बोको हरम के आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़, 16 आतंकवादी ढेर, 12 जवान शहीद। गश्ती दलों के जरिए सेना की चौकसी बरकरार। जर्मनी के केंद्रीय बैंक ने दिया सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 69 वर्ष करने का प्रस्ताव। देश की पेंशन प्रणाली पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए लिया गया फैसला। फिलहाल 65 वर्ष है जर्मनी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।